नमस्कार दोस्तों, हम कुर्ता बनाना सीख रहे हैं, सलवार कुर्ता, उसमें कुर्ते बनाने पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने ड्राफ्टिंग कर ली है और कपड़े की कटिंग भी कर ली है। इस वीडियो में हम जो भी जो कपड़ा काटा था उनको आपस में जोड़ना या सिलाई करना सीखेंगे, और साथ साथ इसमें जो हम सिलाई करेंगे तो इसमें गला बनाना सीखना है। उसके लिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको गले के शेप में वो जो पेपर है वो और कपड़े को उसको पिनअप करके रखा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमको सीखने को मिलता है। नमस्ते, देखो हमने पहले जब भी कटिंग में देखा था कि हमने पेपर कैनवास पर एक साइड आधा फोल्ड करके एक साइड का शेप बनाया था, फिर हम ये पूरा खोल के मार्किंग करके इसको राउंड शेप में हमने बना लिया है। ये मार्किंग क्या आपने सिलाई मशीन से खाली सिलाई मशीन चला के हम जो भी गले का मार्किंग है वो कर लेते हैं, बाद में हम उसको पेंसिल या चौक से उसको हम बना लेते हैं, या चाहे तो आपको जो होल दिख रहे हैं उसके हिसाब से भी आप काम चला ले सकते हो। अभी ध्यान से अगर देखोगे तो उसमें आपको छेद दिख रहे छोटे छोटे, वो हम जोड़ के उसका देख का शेप आप बराबर कर सकते हो। देखो अभी आप देख रहे हैं कि हमने ये जो पेपर कैनवास लिया था इसके थोड़ा पाव इंच से थोड़ा ज्यादा छोड़ के हमने तीन तरफ कपड़े छोड़े हैं। जहां हमने ऊपर की तरफ मार्किंग की है वहां हमने कपड़ा नहीं छोड़ा है, लेकिन बाकी तीनों तरफ हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा है। अभी हम ऐसा करेंगे कि ये कपड़ा पेपर कैनवास के ऊपर फोल्ड करके हम बाजू से थोड़ी सी एक सिलाई डाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दोनों फ्रंट और बैक का भी गला बना के पहले ले लेते हैं। अभी देखो हम पहले ये थोड़ा थोड़ा सा मोड़ मोड़ के, ये हमारा राउंड शेप है ताकि इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ी सी कहीं कहीं हमारी चूनट आ जाती है या बीच में छूट जाता है तो भी कुछ नहीं, हम बाद में जब तुरपाई करेंगे तो वो अंदर डाल के हम उसको कर सकते हैं। ये देखो ये हमारा जो ज़्यादा कपड़ा है वो हम एक बाद में हम आपको दिखाएंगे कि कपड़ा ज़्यादा जो है वो देखो अभी फोल्ड हो गया। अगर कहीं चूनट आ गई तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो अंदर की तरफ जाने वाला है ना कि बाहर की तरफ हमें चूनट वगैरह कुछ नहीं दिखेगी, प्लेन कपड़ा दिखेगा। ये देखो हमने ये पूरा अभी हमारा ये सिलाई करके कपड़ा पूरा आगे से अंदर से हो गया और ये हमारा बाहर की बाजू है। अभी लगाते समय हम ऐसा करेंगे, जहाँ कि हमने ये फ्रंट को बीच में खचका दिया था, ये खचके के साथ पेपर का खचका हम मैच कर लेंगे, इसको फिर से पिनअप कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो हमने शेप बनाया था उसके ऊपर हम सिलाई डालेंगे। ध्यान में रखें ये जो कपड़ा है वो हमारा सीधा है, बाहर वाली बाजू है, उसके ऊपर हमने ये कपड़े वाली बाजू रखी है और ऊपर की तरफ हम पेपर कैनवास देख रहे हैं। देखो ये हम अभी ऐसा पूरा करके यहाँ बराबर खचके को खचका लगा के, ये देखो खचके को खचका लगा दिया, फिर से हमने पिनअप कर दिया उसको ताकि वो इधर उधर हिले नहीं। आप ये पिनअप किया है नीचे वाले कपड़े के साथ, देखो अभी आप ये देख सकते हैं हमने ये नीचे वाले कपड़े के साथ इसको पिनअप कर दिया और अभी जैसे कि गले का शेप है वैसे ही हम इसको सिलाई कर लेते हैं और वहाँ सिलाई करेंगे जहाँ हमने मार्किंग किया था, ना कि वहाँ से हम चालू कर रहे हैं। अच्छा, मार्किंग के ऊपर से, उसमें बिल्कुल ही डिस्टेंस नहीं छोड़ने का, जहाँ जैसा मार्किंग है वैसा ही हम सिलाई करेंगे। राउंड शेप है तो वैसे ही हम थोड़ा धीरे धीरे उसको घुमा लेते हैं कपड़े को, जहाँ राउंड है वहाँ हम थोड़ा धीरे धीरे मशीन चलाएंगे। ये देखो फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि जो जहाँ पर हमको डॉट डॉट दिख रहे थे, जहाँ निशान था, केवल उसके ऊपर ही सिलाई गई है, उसके आसपास कहीं भी नहीं गई। इसके लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। और आप अगर ये पिन से बराबर फिट कर लेते हो और धीरे धीरे मशीन चलाते हो तो ये आपको भी आप धीरे धीरे बराबर शेप बना सकते हो। ज्यादा करके तो आप पहले बहुत ऐसे कठिन शेप ना ले जो आपको लगाने में, सिलाई लगाने में तकलीफ हो, पहले आप थोड़े छोटे छोटे राउंड फिर छोटा कर, ऐसा करके आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद देखो जहां हमने सिलाई की है वहां से पाव इंच छोड़ के हम ये गला अंदर से काट लेते हैं। अच्छा, पिन अभी लगी रहनी चाहिए। हाँ, पिन लगी रहनी चाहिए क्योंकि कपड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं। ये देखो ये सिलाई के थोड़े अंदर की तरफ से हमने कटिंग कर लिए, जैसा कि हमारा जो भी नेक का शेप है वही से भी हम थोड़ा थोड़ा छोड़ के
हम कटिंग कर लेते। अभी ये राउंड शेप है इसलिए जहाँ हमारा ये राउंड है वहाँ थोड़े कैंची के किनार से हम थोड़े थोड़े ऐसे खच के लगा लेते हैं ताकि ये जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ ठीक तरह से फोल्ड हो जाए और वो जो शेप है हमारा वो भी। अगर हमारा कोई गला कोने वाला जैसा है या किसी को स्टेप जैसे ऐसे कुछ पॉइंट है तो वहां भी हम बीच बीच में एक एक ऐसा छेद लगा दे क्योंकि वो गला फिर अंदर फोल्ड बराबर हो सके। इस तरफ भी लगेंगे? नहीं, सीधी बाजू पे नहीं लगेगा क्योंकि सीधी बाजू तो आसान से हमें फोल्ड हम कर देते हैं लेकिन जहां राउंड होता है वहां वो ठीक तरह से नहीं। देखो आप अगर देखते हो तभी ऐसा खोलने के बाद ये बीच बीच का चूनट बनेगी तो वो चूनट के तरह से शेप बराबर नहीं आएगा। अभी अंदर हम जब डाल देते हैं तो ये देखो सिलाई के बराबर ये पकड़ के कपड़ा हमारा जो हमने पट्टी काली पट्टी लगाई थी वो हम बराबर बीच में लगा देते हैं अंदर फोल्ड कर देते हैं पूरी पट्टी तो ये हमारा फ्रंट का नेप पूरा हो गया। अगर चाहे तो आप फ्रॉक को भी ऐसा नेक बना सकते हो अगर आपको लगता है कि आप फ्रंट का गला अच्छा होना चाहिए और वो राउंड शेप आपको अच्छा नहीं आता तो आप कैनवास पेपर भी यूज करके ये लगा सकते हो। इसी तरीके से हमें बैक साइड का भी नेक बना के लेना चाहिए। ये देखो अभी आप देख रहे हैं हमने ये बैक वाला शेप पूरा एक पहले से बना के रखा है। यहाँ देखो अभी ये कॉर्नर को जैसे हमने बोला था ये स्क्वायर शेप में है इसके लिए ये देखो यहाँ छोटे छोटे दो खचके सिद्ध दिए क्योंकि ये स्ट्रेट है तो इसको बीच में डालने की हमें जरूरत नहीं। अभी देखो हमें ऐसा सिलाई करना है ये शोल्डर सिलाई करना है तो शोल्डर का तरीका ऐसा है जैसे पहले बार हमने देखा वैसा नहीं आता। ये हमारा फ्रंट है बाहर की बाजू है इसके ऊपर ये जो है ये हमारी बाहर की बाजू है। आप देख सकते हो जैसे कि हमने पहले से ही मार्किंग करके रखा था कि ये हमारी अंदर वाली साइड है तो दोनों बाहर वाली साइड हम एक के ऊपर एक रखेंगे। उसके बाद ये दोनों शोल्डर हम एक के साथ एक मिला लेंगे। ये देखो ये शोल्डर हमने मिला लिए यहाँ से यहाँ दोनों और फिर ये जो फ्रंट वाला हिस्सा था हमारा जो फ्रंट का नेक है इसका वो पहले से ही हमने अंदर मोड़ दिया है और इसके ऊपर से ये दूसरा मोड़ हम ऐसे लेंगे दोनों एक ही तरफ मोड़ देते हैं तो क्योंकि फिर हम जब उसको खोलेंगे तो वो हमारा फिनिश लाइन हमारी हो जाएगी। देखो आप फिर से देख सकते हो हमने फ्रंट वाला हाँ देखो ये फ्रंट वाला है जो पहले से हमने अंदर मोड़ के रखा है उसके ऊपर बराबर सिलाई के पास हमने बैक का लिया और ये बैक का फोल्ड उसके ऊपर ऐसा फोल्ड कर दिया है। ये देखिए ये फ्रंट वाला पहले से ही अंदर है और इसके ऊपर ये बैक वाला रख दिया और फिर हम सही डिस्टेंस से इस पर सिलाई चलाएंगे। तो ये हमारा जो गला हमने रखा है उसको हमें पहले से नहीं सिलना है अंदर? नहीं, अंदर की तरफ से सिलना नहीं है इसीलिए ये करने के बाद हम उसके ऊपर से एक दाब सिलाई डालेंगे और फिर अंदर से तुरपाई हम सबसे बाद लास्ट फिनिशिंग में कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ से यहाँ तक एक आधा इंच छोड़ के सिलाई डाल देते हैं और यहाँ हमें डबल सिलाई डालनी है। देखो और यहाँ अगर कुछ थोड़ा कम ज्यादा है तो हम वो थोड़े हिसाब से काट लेते हैं। ये देखो ये हमारा एक साइड पूरा हो गया। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करते हैं। ये देखो ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है वो पहले हमने फोल्ड कर लिया फिर ये कैनवास पेपर जो आपको अभी बाहर दिख रहा है वो हम खोल लेते हैं इसके बीच में ये रख के इसको फोल्ड करते हैं और ये लेते समय ये दोनों सिलाई हम एक साथ रखेंगे और उसके ऊपर से हम एक सिलाई डाल देंगे। ये देखो अभी हमने दो सिलाई ये पूरी डाल दी है इसके बाद आप खोल के भी देख सकते हो। ये देखो ये ऐसा होने के बाद ये देख दो ये शेप ऐसा दिखाई देगा जॉइंट का। पहले हमें दिखेगा ऐसा और बाद में खोलने के बाद दिखेगा ये ऐसा। इसे बोलते हैं कवर की सिलाई करना क्योंकि वो दिखने में यहाँ अच्छा दिखता है। और देखो ये जो सिलाई है स्लीव लगाते समय हम बैक साइड को लेंगे ना कि इधर इधर अगर लेंगे तो वो खराब दिखता है इसलिए हम ये सिलाई भी इस तरफ मार्जिन के लेंगे। इसके बाद हम यहाँ एक
गले की तरफ से दाब सिलाई, पहले हम दाब सिलाई ऐसे पट्टी पे डालते थे, लेकिन अभी ये शो के लिए तो फोल्ड करके ऊपर से हम पूरी सिलाई इसके ऊपर दाब सिलाई अभी डाल देंगे। और उसके पहले हम शेप गले का भी देखो, हमने बराबर वो शेप बना लिया। ये देखो कहीं भी कहीं चूनट स्क्वायर गले को भी नहीं आई ना राउंड शेप को भी। ये देखो ये हमारा गला तैयार हो गया। अभी इसके ऊपर फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ये राउंड शेप में लिया हुआ है और ये बैक का स्क्वायर लिया है। अभी हम इसके ऊपर हम सिलाई डाल देते हैं। ये बिल्कुल पास से ही ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल पास से हमें लेना है ये। मैम इसमें धागे का चुनाव आपने कैसे किया है? देखो ये दो कलर में हमारा पीस है, क्योंकि ब्लैक साइड बैक है और फ्रंट में ब्लैक और रेड दोनों है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। देखो अभी पिछली गले की तरफ और पीछे हम जो ओपन रखेंगे कट, उसके ऊपर रेड धागा आएगा। अगर आप चाहे तो धागा अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन बार बार फिर हमें धागा बदलना पड़ेगा, लेकिन ये चलता है क्योंकि इसमें मैचिंग के तौर पे देखो तो भी इसमें रेड कलर का है, तो ये हम रेड कलर का ही धागा भी ज्यादा करके, इसमें रेड कलर ज्यादा है तो हम रेड कलर का धागा इसके लिए यूज करेंगे। धागे का चुनाव ऐसा करें कि दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, ना कि हम कोई अलग ही तरीके का। अगर हम इस पर व्हाइट कलर का धागा लेते हो तो वो बिल्कुल ही खराब लगेगा। अभी देखो थोड़ी जगह पे हमारा काला धागा दिख रहा है, मतलब रेड धागा दिख रहा है, काले के ऊपर सिर्फ गले के ऊपर और कटिंग पे ही कट के ऊपर ही हमारा रेड धागा आएगा, तो वो उतना तो दिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो ये हमारा पूरी सिलाई हमारी हो गई। यहाँ काट के फिर हम निकाल लेते हैं और ये अभी हमारा गला इसका और नेक। देखो अब दोनों तैयार हो गए, दोनों आगे का और पीछे का नेक हमारा तैयार हो गया। इसके ऊपर हम बाद में तुरपाई करेंगे। अभी इसको हम एक स्लीव लगाना हमें बाकी है, वो अभी हम स्लीव साइड और हमें कट सिलाई करना हमारा अभी बाकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अभी हमको इसमें काफी काम बाकी है। अभी ये दोनों तरफ स्लीव्स लगानी है और फिर इसके बाद इसको जोड़ना है जी। तो इसको हम सीधे अगले वीडियो में आपको बताएंगे, आप इंतजार कीजिए। ये लगभग तैयार होने को है कुर्ता, और अगले वीडियो में जहाँ तक शायद हम इसको पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।